हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 के विषय संस्कृत का गृह कार्य, जो कि दिनांक 22 सितंबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य का आज देखेंगे हम भाग 2 और 3 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत इति क कथयति। आंसर लिखेंगे चारवा कवि। ऋण लेकर घी पीना चाहिए, यह कथन किसका है? चारवा कवि का। सेकेंड क्वेश्चन है, कस्य पोषणम सर्वथा उचितम अस्ति। आंसर लिखेंगे शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम अस्ति। शरीर का जो पोषण है सर्वथा उचित होता है। थर्ड क्वेश्चन है, अशुद्धम पदम चुनत। यहाँ हमें कुछ पद दिए गए हैं कै और खै में, हमें अशुद्ध पद चुनने हैं। यहाँ देखते हैं कै में, रामान वृक्षान लतान खगान, जहाँ अशुद्ध पद है लतान। खै है पढ़ती लिखती हंसती गमती, यहाँ अशुद्ध पद है गमती, क्योंकि गच्छति होता है, गमती नहीं होता है कोई भी शब्द, यहाँ अशुद्ध शब्द है गमती। फोर्थ क्वेश्चन है, उचित पदेन रिक्त स्थानी पूर्यत। यहाँ उचित पद के हमें रिक्त स्थान पूर्ण करण है, तो यहाँ कह है याव जीवे रिक्त स्थानम जीवे, यहाँ लिखेंगे सुखम। याव जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो। घ है खै है घृतम पित्वा श्रम कृत्वा रिक्त स्थानम प्रत्यर प्रे, यहाँ लिखेंगे ऋणम। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर प्रे, घी पी करके परिश्रम करके हमें ऋण को लौटा देना चाहिए। फिफ्थ है, पर्याय पदानी मेलित। यहाँ हमें पर्याय पद के मेल करने हैं उचित अर्थों से, तो यहाँ आंसर देखते हैं कह है वैद्य, जिसका पर्याय पद है चिकित्सक। खै है स्वागतम, जिसका पर्याय पद है अभिनंदम। गै है सहोदर, जिसका पर्याय पद है भ्राता। खै है दुर्लभम, जिसका पर्याय पद है कठिनम। तो ये था कक्षा 7 के विषय संस्कृत का गृह कार्य। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट्स, अन्य क्लासेस के गृह कार्य देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।